नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रकाशक के इस पटल पर एक बहुत ही खास आयोजन, पुस्तक का लोकार्पण, जिसे लिखा है आदरणीय सुधा कसेरा जी ने, और पुस्तक का नाम है साहित्य भी। तो साहित्य की जो एक परंपरा रही है प्रकाशक के पटल पर, कि साहित्य से जुड़ी हर बात, साहित्य से जुड़े हर शख्सियत के साथ जुड़ा रहा है प्रकाशक हमेशा, आज उसी परंपरा को निभाते हुए आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पटल पर इस समय उपस्थित हैं आदरणीय सुधा कसेरा जी तो हैं ही, आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी हैं, और आदरणीय सुधा आदेश जी हैं, और बहुत जल्द हमारे साथ, मैं लगातार कोशिश में लगी हूँ कि उषा सिन्हा जी जुड़ जाए, आदरणीय उषा सिन्हा जी, वो भी किसी भी पल हमारे साथ होंगी साथ में। तो आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं, और भावना गौर भी हमारे साथ हैं। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रकाशक के पटल पर। आज के इस संध्या का आरंभ करते हुए सबसे पहले माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। सरस्वती वंदना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अब आज की इस संध्या का शुभारंभ कर रही हूँ आदरणीय संजीव जी। हाँ, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम पुस्तक का लोकार्पण कर देते हैं। पुस्तक धन्यवाद का नाम साहित्य वीर, और मेरे पास ये प्रति है। राजू जी, मुझे ऐड कर लीजिए, मैं शायद बाहर हो गया हूँ। नहीं, आप हैं, आप स्क्रीन पर हैं। लेकिन अच्छा, भावना नहीं नहीं है, कोई भावना। प्रॉब्लम। भावना ने अपना माइक और वो बंद किया हुआ है। अच्छा, लेकिन मुझे कसेरा जी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आप लोगों को सबको दिख रहे हैं संजीव जी? हाँ, मुझे तो दिख रहे हैं। आ गई।
हाँ ये मैसेज आ रहा है, ओनली द होस्ट कैन सी यू, द होस्ट में ऐड यू टू ब्रॉडकास्ट एट एनी टाइम। लेकिन आप दिख रहे हैं संजीव जी। अच्छा तो फिर इसका मतलब नेट की कोई प्रॉब्लम है। आप हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है फिर। तो ये पुस्तक आदरणीय सुधा कसेरा जी की लिखी हुई, और ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित होगी बहुत से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि एक विस्तृत अध्ययन करना चाहें जो इनमें शख्सियतें हैं उनके बारे में। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे साथ इस मंच पर, इस पटल पर, इस पुस्तक में शामिल आदरणीय संजीव जायसवाल जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही किसी की? आपकी आवाज आ रही है संजीव जी, आप सबको आ रही है? हमें आ रही है। हाँ, आप हमें भी आ रही है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी, जो कि इस पुस्तक में के प्रश्नों में जिनका नाम दर्ज है और जिनके बारे में सुधा जी ने इतने सारे साहित्यकारों के बीच में उनका भी उन्हें भी लिया है, वो हमारे बीच इस समय मौजूद हैं। और आदरणीय मालती जोशी जी जिनके बारे में लिखा है, वो भी उनका भी एक आशीर्वचन है हमारे पास। बस ये बात है कि वो दिल्ली में थी, इस वजह से इस उनको जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हो सकता है कि वो जुड़ जाएं, क्योंकि उनको लिंक भी भेजा है और बात भी की है, तो हो सकता है वो जुड़ जाएं। तो पुस्तक का लोकार्पण संपन्न होता है। अब मैं बागडोर जो है आदरणीय सुधा कसेरा जी को देती हूँ। आदरणीय सुधा कसेरा जी को आमंत्रित करने से पहले मैं बता दूं कि आप एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक अध्यापिका हैं, और मुझे लगता है बड़ी अनुशासन प्रिय अध्यापिका रही होंगी, क्योंकि आपकी जो सारी कार्य प्रणाली होती है वो बड़ी ही नपीतुली होती है। आपने 12 वर्षों से हैदराबाद में स्वतंत्र लेखन को समर्पित हैं। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख, समीक्षा और कहानियां निरंतर छपती रहती हैं। प्रखर गूंज साहित्य नामा पत्रिका में सुधा जी स्थायी स्तंभकार हैं। साहित्यवीर पुस्तक के बारे में बता दें कि उनकी पुस्तक की विशेषता यह है कि आम जीवन परिचय की तरह नीरसता का अनुभव नहीं कराती, बल्कि पाठक को पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए आरंभ से अंत तक बांधे रहती है, और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भी है। वास्तव में वही बात मैंने भी कही थी। तो ऐसी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, और उनकी लेखिका आदरणीय सुधा कसेरा जी को मैं अब अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अनुरोध है उनसे कि वो इस पुस्तक के विषय में कुछ कहें। पुस्तक के विषय में तो बाकी लोग कहेंगे, मैं तो इन अतिथि गणों के लिए बोलूंगी जो आए हैं। मेरा मेरा सौभाग्य है। आदरणीय वरिष्ठ लेखिका पद्मश्री मालती जोशी जी, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, व्यंग, हास्य आदि लेखन की हर विधा में पारंगत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संजीव जायसवाल जी, विदुषी शिक्षाविद उषा सिन्हा जी, वरिष्ठ सुप्रसिद्ध लेखिका सुधा आदेश जी को मेरा सादर प्रणाम। प्यारी उभरती हुई सशक्त लेखिका भावना गौड़ को शुभकामनाएं, और संचालिका आदरणीय राजुल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुस्तक साहित्यवीर, जिसमें 18 प्रसिद्ध साहित्यकारों का विस्तार से जीवन परिचय संग्रहित है, के लोकार्पण के अवसर पर आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और उपस्थित होकर मेरा मान और हौसला बढ़ाया। आप सभी अतिथिगण हिंदी साहित्य आकाश के चमकते सितारे हैं और समाज में भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, इसलिए आप लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सबसे मैं कभी मिली नहीं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से संपर्क में रहने के कारण आप लोग मेरे इतने करीब आ गए हैं कि ऐसा महसूस ही नहीं होता। और अपनी इस साहित्यवीर पुस्तक के माध्यम से फोन द्वारा आप सबसे संपर्क करते समय मुझे एहसास हुआ कि आप अपने क्षेत्र में इतने सफल और लोकप्रिय होने के बावजूद अत्यधिक विनम्र और सहृदय हैं।
अपने लेखन के कारण आप सबसे जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए फेसबुक का धन्यवाद, जिसने प्रसिद्ध शायर मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित इस शेर को चरितार्थ किया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आदरणीय मालती जी का जीवन परिचय भी इस पुस्तक में समाहित है। मैं इनके बारे में जानकारी लेते समय इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। इनका मानना है कि बेटियों को पढ़ लिख कर अपनी पहचान अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन इसके लिए परिवार और पहचान बनाने की राह में बैलेंस भी रखना चाहिए। इससे वे आगे बढ़ेंगी और परिवार समाज की भी तरक्की होगी। इनका यह वक्तव्य इनके अपने लेखन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसे आत्मसात किया हुआ है। इस पुस्तक के छपने के बाद एक प्रति मैंने आदरणीय मालती जी को भेजी और पुस्तक मिलने के अगले दिन सुबह 9 बजे ही अप्रत्याशित इनका मेरे पास फोन आया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी प्रिय लेखिका, जिनको मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ, आदरणीय मालती जी से बात कर रही हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं फोन द्वारा कभी इनके संपर्क में भी आ पाऊंगी। यह मेरे लिए एक सुखद सपने के सच होने से कम नहीं था। इन्होंने इतनी आत्मीयता से मुझसे लंबी बात की कि लगता ही नहीं कि मैं पहली बार इनसे बात कर रही हूँ। इसके बाद इसी पुस्तक पर इनकी लिखित प्रतिक्रिया मुझे मिली तो विस्मय के साथ मेरे हर्ष का पारावार नहीं रहा, क्योंकि लेखन के लिए सम्मानित के बारे में के लिए मेरा कलम चलाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, फिर भी इन्होंने मुझे इतना मान दिया, इसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरी दूसरी पुस्तक बस अब और नहीं, जो कि मेरी कहानियों का संग्रह है, पर भी 5 पृष्ठों की हस्तलिखित प्रतिक्रिया भेजी। यह मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार से भी बढ़कर है। आदरणीय संजीव जायसवाल जी का जीवन परिचय भी इस पुस्तक में समाहित है। इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही पत्रिकाओं में छपना आरंभ कर दिया था। ये बचपन में बहुत शरारती थे। ये साहित्य जगत के इतने लोकप्रिय हस्ताक्षर है कि यद्यपि इनके जीवन के बारे में मेरे द्वारा लिखना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, तथापि उसको पढ़कर इन्होंने इतनी विनम्र लिखित प्रतिक्रिया मुझे भेजी, जिसे पाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर सभी लेखकों के बारे में नहीं बता पाऊंगी, उनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको पुस्तक पढ़कर ही मिलेगी, लेकिन इन सबकी जीवनियों को लिपिबद्ध करने का मेरा यह प्रयास मात्र सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग से आचार्य और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त विदुषी आदरणीय उषा सिन्हा जी ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बावजूद जब इस किताब की भूमिका लिखनी सहर्ष स्वीकार कर ली तो मैं बहुत अभिभूत हुई। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरी पुस्तक की बहुत रोचक और सारगर्भित भूमिका लिखी, जिसको पढ़ने से ही लगता है कि इन्होंने मेरी पांडुलिपि को बड़े मनयोग से पढ़ा है। इनके लिखने से मेरी किताब का महत्व चौगुना हो गया और मेरा लेखन भी सार्थक हो गया। मैं इनसे पूर्व परिचित नहीं थी, लेकिन इनके द्वारा मृदु भाषा में बात करते समय मुझे ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। प्रसिद्ध लेखक और विचारक शिखर जैन जी सामाजिक जीवन और रचनात्मक का बहुत शोध करके अध्ययन किया और सरल भाषा में लिखा। एक मिनट, शिखर जैन जी हैदराबाद पब्लिक विद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त वीणा जी और हिंदी की अध्यापिका उर्मिला पांडे जी ने भी अपना कीमती समय निकाला और मेरी इस किताब के लिए अपने सकारात्मक विचार लिखकर मेरा मनोबल बढ़ाया और इस किताब में 4 चांद लगा दिए। मैं इन सबकी दिल से आभारी हूँ। इस किताब के छपने में मेरे पति तथा मेरे दोनों बच्चों का भी बहुत योगदान रहा है। इस पुस्तक का आवरण मेरी बेटी नताशा ने बनाया है। मेरा मानना है कि टीम वर्क द्वारा ही किताब का छपना संभव हो पाता है। यह पुस्तक छपने के बाद सुधा आदेश जी ने, दीपक पांडे जी ने, सुधा जुबरान जी ने, आभा श्रीवास्तव जी, भावना गौड़ और सीमा सिंह जी ने इतनी अच्छी समीक्षा लिखी कि आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन सबकी मैं दिल से आभारी हूँ।
यह पुस्तक लिखना एक संयोग मात्र है, लेकिन इसका परिणाम इतना सुखद और सार्थक होगा इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साहित्यनामा पत्रिका में मैंने जब हर महीने प्रसिद्ध साहित्यकारों का जीवन परिचय लिखना आरंभ किया तो इसके लिए मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन जीवन सामाजिक जीवन और रचनात्मकता का बहुत शोध करके गहन अध्ययन किया और सरल भाषा में लिखा। तो लिखते समय मुझे अपने अध्ययन और अध्यापन काल में हिंदी की कोर्स की किताबों में इनके संक्षिप्त और नीरस जीवन परिचय का ध्यान आया, जिन्हें पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही उबाऊ लगता था और जिसमें समझने वाली और व्यावहारिक ज्ञान देने वाली कोई बात ही नहीं होती थी। छात्रों का उनको रट कर अंक प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य होता था। मैं लेखिका आरती प्रियदर्शनी की आभारी हूँ जिन्होंने इन 18 महान साहित्यकारों के बारे में लिखे हुए मेरे दस्तावेज को एक पुस्तक में संकलित करवाने का सुझाव दिया और मैंने इसे कार्य रूप देने का निर्णय लिया। यह पुस्तक सभी वर्ग के हिंदी के छात्रों के लिए तथा विशेषकर शोध विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि किसी भी रचना के रचयिता के व्यक्तिगत जीवन से परिचित होने पर उनकी रचना पढ़ने और समझने में सुगम्य होने के साथ अधिक रोचक भी हो जाती है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रसिद्ध लेखकों का परिचय उनकी पुस्तकों के पीछे बहुत संक्षिप्त लिखा होता है। मैंने जब उनके बारे में उनकी रचनाओं के बारे में लिखते समय विस्तार से जाना तो उनकी रचनाओं को पढ़ने का आनंद ही दुगना हो गया। बहुत से लेखकों की कहानियां मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, उनको दोबारा पढ़ने पर भी अद्भुत अनुभूति हुई क्योंकि उनके व्यक्तित्व की छाप निश्चित रूप से उनकी रचनाओं पर भी पड़ती है। उसी तरह जिस तरह हम किसी नए स्थान की यात्रा करने से पहले उस स्थान की अच्छी तरह जानकारी ले लेते हैं तो उस स्थान की यात्रा हमें दुगना आनंद देती है। यह पुस्तक हर वर्ग के पाठकों के लिए पठनीय और संग्रहणीय है। आज की युवा पीढ़ी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा कर आत्महत्या तक का कदम उठा लेने की नासमझी करती है, जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है। वे इन प्रसिद्ध साहित्यकारों की जीवन गाथा को पढ़कर कि कैसे वे अपने व्यक्तिगत जीवन में आए, निरुत्साहित करने वाली घटना और कैसे कैसे संघर्षों के बाद भी निरंतर हिम्मत न हार कर अपने उद्देश्य और उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हुए और आगे बढ़ते गए से प्रेरित होकर अपनी असफलताओं के प्रति नकारात्मक सोच को बदलेंगे तभी मेरा यह लेखन सफल होगा और मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपने बड़े विस्तार से पुस्तक की रचना प्रक्रिया के बारे में और इसमें शामिल सभी आदरणीय विभूतियों के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर इस समय हमारे साथ जुड़े जो रचनाकार जो अतिथि हैं उनके बारे में भी उनका भी नाम मैं बता देती हूँ। सुप्रसिद्ध रचनाकार सुधा जुगरान जी, बहुत स्वागत है आपका सुधा जी। और हमारे साथ जुड़ी हैं नितिन कसेरा जी हैं हमारे साथ। नितिन कसेरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनू त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका भी मीनू त्रिपाठी जी। और हमारे साथ जुड़े हैं साहित्य से बहुत ही जुड़े हुए, एक मैं इन्हें अपने श्रोता के रूप में जानती हूँ लेकिन मुझे मालूम है कि इनका इनकी साहित्य में तीव्र रुचि है, सुधीर कुमार राव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सुधीर कुमार राव जी। और हमारे साथ इस समय पटल पर हैं मौजूद सुनीला अरोरा जी। सुनीला अरोरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेफाली जी हैं, शेफाली सुरभि जी, शेफाली सुरभि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं पद्मा अग्रवाल जी। पद्मा अग्रवाल जी बहुत स्वागत है आपका भी। सुधा जुगरान जी ने बधाई दी है और सभी आपको सुधा कसेरा जी आपको सभी उपस्थित जो अतिथि हैं हमारे वो बधाई दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत करते हुए अब मैं पटल पर आमंत्रित कर रही हूँ
भावना गौर जी को। भावना गौर जी के बारे में उनको आमंत्रित करते हुए मैं बता दूं कि एक बहुत ही सुंदर रचनाओं की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी, रचना यात्रा की शुरुआत हो चुकी है भावना गौर जी के साथ। तो मैं नवोदित तो नहीं कहूंगी, क्योंकि जो माँ सरस्वती के पुत्र होते हैं वो कभी भी नवोदित नहीं होते, वो तो कुछ ना कुछ लेकर शुरू से ही विरासत में उनको मिलता है, कलम का हुनर और लिखने का ज्ञान। तो भावना गौर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी बात। भावना गौर जी, राजू जी क्षमा चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ, क्या पहले लोकार्पण न कर लिया जाए पहले? लोकार्पण हो जाए, दोबारा से कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। शक्तिदास अगर किताब है तो लोकार्पण कर लिया जाए एक बार। हाँ 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 ठीक है, ताकि पटल पे जो लोग जुड़े हैं वो भी किताब देख लें। अवश्य 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 हम आदरणीय संजीव जी उस वक्त साथ में, शायद उनको कुछ नेट का की समस्या हो रही थी तो तो उस समय हमने किया था। और आप जब कह रहे थे ना आवाज नहीं आ रही, आप कोई दिख नहीं रहे हैं, तो उस वक्त ये लोकार्पण ही हो रहा था, तो शायद नेट की समस्या, नेट के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आदरणीय उषा सिन्हा जी, उनको आज सुबह से बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद लखनऊ में तेज बारिश हुई है और लाइट भी उधर नहीं आ रही है। तो अभी मैं बराबर उनका, जब सुधा कसेरा जी बात कर रही थी तो मैं बराबर उनसे संपर्क। पिछली बार किसी ने राय दी थी कि सरस्वती वंदना के साथ नेट वंदना भी करनी पड़ेगी, मैंने और मैं इंतजार कर रही हूं नेट वंदना की, या तो लिखी लिखाई मिले नहीं तो फिर मुझे खुद ही लिखनी पड़ेगी। उषा सिन्हा जी फोन नहीं ले पा रही है, उनका फोन ही नहीं जा पा रहा है, ना व्हाट्सएप से जा रहा है और ना साधारण कॉल से जा पा रहा है। उनके यहाँ लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर से चल रहा था। बहुत हुई है, बहुत बारिश हुई है और लखनऊ कई इलाके में लाइट नहीं है, तो नेट भी नहीं होगा। हाँ तो हो सकता है ये समस्या हो, क्यों तो वो बिल्कुल नहीं जुड़ पा रही है। तो मैं भावना गौर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी बात। सबसे ज्यादा उत्साहित तो वही थी उषा जी, सबसे ज्यादा उत्साही थी। कल शाम को मेरे से बहुत देर बात की कि मैं तो ये बोलूंगी, मैं तो वो बोलूंगी, बताइए क्या कर सकते हैं। चलो क्या किया जा सकता है, नेट की समस्या है और इसके आगे हम लोग असहाय हैं। असहाय। भावना जी का स्वागत है। भावना जी धन्यवाद। राजू जी, मैं भावना गौर यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का अभिवादन करती हूँ। मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे इतने प्रख्यात रचनाकारों के साथ मंच साझा करने का सुअवसर मिला है। मैंने अनेक पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी हैं और मेरा यह मानना है कि एक लेखक के रचनाओं में कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व की भी छाप नजर आती है। लेकिन सुधा कसेरा जी की यह पुस्तक साहित्यवीर पढ़ के मैं चमत्कृत रह गई, क्योंकि यह आपको एक साथ 19 साहित्यकारों को व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर प्रदान करती है। यह पुस्तक मात्र सुधा जी के दूरदर्शी व्यक्तित्व का ही परिचय नहीं देती, बल्कि साहित्य जगत के आधार स्तंभों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा जी जैसे तरीके रचनाकारों के विराट व्यक्तित्व का भी इतना विस्तृत विवरण देती है जो कि सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता। इस पुस्तक में आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी से लेकर आज के रचनाकार मृदुला गर्ग, मालती जोशी जी, संजीव जायसवाल, संजय जी जैसे रचनाकारों के जीवन के ऐसे ऐसे रोचक पहलुओं को उजागर किया गया है जिनकी जानकारी जुटा पाना गहन अध्ययन और शोध कार्य किए बिना संभव ही नहीं है। आम तौर पर हम रचनाकारों को उनकी रचनाओं के माध्यम से तो जानते हैं, लेकिन उनके संघर्षों, उनके जीवन की बाध्यताओं, अवरोधों के विषय में हमें कोई खास जानकारी नहीं होती। यह बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे किसी इमारत को हम बाहरी स्वरूप से तो पहचानते हैं, लेकिन उसकी नींव की गहराई का हमें कोई अंदाजा नहीं होता। साहित्यकार कितने संघर्षों के बाद इतनी उत्कृष्ट रचनाएं लिखकर आप तक पहुंचाने में सफल हुए,
सुधा कसेरा जी ने इसकी विस्तृत जानकारी जुटाकर साहित्यकारों की जीवनी को रोमांचक तरीके से अपनी पुस्तक में कलमबद्ध किया है। यह पुस्तक पढ़कर आप जानेंगे कि इन साहित्यकारों के जीवन के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देते बल्कि विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना सकने की युक्ति भी सुझाते हैं। प्रभावपूर्ण लेखन शैली और सरल भाषा में लिखी गई यह पुस्तक शोध विद्यार्थियों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करेगी। इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि आपको इस बात का भी आभास मिलेगा कि कौन सी रचना लिखते समय लेखक की मनस्थिति क्या रही हो। इस पुस्तक द्वारा आप जानेंगे कि लेखकों के व्यक्तिगत संघर्षों में भी कितनी विविधता रही है। एक और यह पुस्तक अपने बोर्ड लेखन के लिए प्रसिद्ध कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग जैसी लेखिकाओं के बेबाक लेखन से परिचित कराती है, तो साथ ही मालती जोशी जी जैसी संस्कारी लेखिका के जीवन दर्शन का ज्ञान भी कराती है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन का मूल मंत्र रहा है। बाल्यकाल से ही विमाता के कारण इन्होंने अनेक कष्ट झेले, लेकिन उन कष्टों से हारने के बजाय उन्होंने अपना जीवन साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। 34 वर्ष की अल्पायु में ही क्षय रोग के कारण उनका देहावसान हो गया, लेकिन इतनी कम जीवन अवधि में ही उन्होंने हिंदी साहित्य की काया पलट कर दी। इनकी रचनाओं से पहले हिंदी साहित्य में भक्ति, प्रेम और अलौकिक जगत पर आधारित रचनाओं का ही वर्चस्व था, लेकिन इन्होंने मानव जीवन से जुड़े तर्कों के आधार पर हिंदी साहित्य सृजन किया। इनके क्रांतिकारी लेखन ने ही इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह की पदवी दिलवाई। रवीन्द्रनाथ टैगोर को हम सभी अपने देश के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता के रूप में जानते हैं, लेकिन रवीन्द्रनाथ टैगोर ही इकलौते ऐसे कवि हैं जिनके लिखे हुए गीत दो देशों के राष्ट्रगान हैं। हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। ऐसी अनूठी जानकारियां भी आपको इस पुस्तक साहित्यवीर के माध्यम से मिलेंगी। शरद चंद्र की जीवनी पढ़ते समय आपको इस बात की भी झलक मिलेगी कि उनके प्रसिद्ध उपन्यास देवदास, जिस पर बॉलीवुड में 3 बार फिल्में बन चुकी हैं, उसमें देवदास एक काल्पनिक चरित्र ही नहीं बल्कि उनके जीवन का एक जीता जागता हिस्सा रह चुका है। उनकी लगन और निष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बहुचर्चित उपन्यास चरित्रहीन की मूल पांडुलिपि, जो लगभग 500 पृष्ठों की, वह प्रकाशन से पहले ही जलकर खाक हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे जोश से पूरी पुस्तक फिर से लिखी। आज के छात्र जो छोटी छोटी असफलताओं से ही घबराकर हिम्मत हार जाते हैं और अवसाद में डूब जाते हैं, उन्हें इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद का जीवन भी घोर गरीबी में बीता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साहित्य सृजन में अपने आप को झोंक दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी उन्होंने बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद साहित्य सृजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्होंने सांसारिक बंधनों से स्वयं को इतना विरक्त कर रखा था कि जीवन पर्यंत आईना तक नहीं देखा। ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारियां भी आपको इस पुस्तक साहित्यवीर में पढ़ने को मिलेंगी। हरिवंश रॉय बच्चन ने अपने अध्ययन काल में फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया और अपनी सृजनात्मक क्षमता से रुबाइयों की तर्ज पर ही मधुशाला का सृजन कर डाला। आज हिंदी साहित्य में मधुशाला अपने सूफीवाद के कारण खासी लोकप्रिय है। हमारे बीच उपस्थित मालती जोशी जी की रचनाओं पर जया बच्चन और गुलजार जैसी जानी मानी फिल्मी हस्तियों ने सीरियल भी बनाए हैं। उनकी कृतियों पर पुणे, कोल्हापुर, हैदराबाद, औरंगाबाद, भोपाल, इंदौर आदि के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो रहे हैं और उनको अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से विभूषित किया जा सकता है। इसी से पता चलता है कि उनकी कहानियों की लोकप्रियता का दायरा कितना विस्तृत है। आज के शॉर्टकट अपनाने वाले लेखकों के लिए उनका संदेश है कि कहानी बहुत सारी घटनाओं और चरित्रों का कोलाज होती है, अतः लेखन के समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने बेबाक लेखन के लिए प्रसिद्ध मृदुला गर्ग जी के उपन्यास चित कोबरा को विवादास्पद उपन्यास माना गया। उन पर आक्षेप लगाने वालों के प्रति मृदुला गर्ग जी के विचार भी आपको इस पुस्तक में जानने को मिलेंगे। इस पुस्तक के द्वारा आप
हमारे बीच आज उपस्थित बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजीव जायसवाल संजय जी की उपलब्धियों और इनके बचपन की शरारतों के बारे में भी जानेंगे। संजीव जायसवाल जी बचपन में वैज्ञानिक बनने के लिए भी प्रयासरत रहे और इसके लिए इन्होंने कितने रोचक प्रयोग किए, यह भी आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। आज के लेखकों के लिए उनका संदेश है कि पंक्चुअलिटी, प्लानिंग और डेडिकेशन, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। वे आज भी सोशल मीडिया द्वारा पाठकों से जुड़कर अपनी आवाज में कहानियां सुनाकर लोगों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ साथ साहित्य को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसमें वर्णित रचनाकार आपके लिए मात्र साहित्यकार ही नहीं बल्कि आपके अपने जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुधा कसेरा जी का यह पुस्तक साहित्यवीर, साहित्यकारों और विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी। इस पुस्तक का आकर्षक कवर पेज सुधा जी की बेटी नताशा सुवर्णा ने डिजाइन किया है। इस पुस्तक की सफलताओं के साथ ही मैं सुधा कसेरा जी को उनकी अगली पुस्तक बस अब और नहीं, जिसकी कहानियां नारी को आत्मसम्मान से कोई समझौता ना करके सशक्त कदम बढ़ाना सिखाती है, उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में एक बार फिर आदरणीय राजुल जी, सुधा आदेशी और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भावना जी। बहुत अच्छी तरह से आपने सुधा जी की पुस्तक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और जैसा कि श्वेता गुप्ता ने कहा, इट्स इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट द ग्रेट राइटर्स इन अ स्टोरी फॉर्मेट। आई रिमेम्बर माय स्कूल डेज। तो जो जीवनियां रटने वाले, क्योंकि हम तो यूपी बोर्ड से हमने परीक्षाएँ दी हैं और हमें पता है कि जीवनियाँ रटना जो है वो अगर बहुत जटिल जटिल जीवनियाँ रटने के बाद क्या हाल होता था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उपस्थित सुधा आदेश जी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो और संजीव जी, आपको भी यूपी बोर्ड के वो दिन याद होंगे जब हम लोग इम्तहान के लिए लंबी लंबी जीवनियाँ रटते थे और उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो चलिए, ये आपको छात्रों का बहुत बहुत वो मिलेगा कि कम से कम उनकी एक मुश्किल आपने आसान कर दी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय बहुत ही सुंदर कथाकार, बच्चों के लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सुंदर रचनाएं करने वाली और कहानियों का ऐसा ताना बाना बुनने वाली जिसमें जीवन जो है वो बड़ी खूबसूरती से प्रवाहित होता रहता है और रिश्ते बड़े सुंदर ढंग से रचे बसे रहते हैं। जिन्होंने पढ़ा है वो समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ आदरणीय सुधा आदेश जी की। सुधा आदेश जी से निवेदन है कि वो पुस्तक के बारे में अपनी बात कहें। आदरणीय सुधा आदेश। धन्यवाद राजीव जी। आज यहाँ आदरणीय मालती जोशी जी और उषा सिन्हा जी तो नहीं है, तो उनको बहुत हम मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी, सुधा कसेरा जी और प्रिय भावना को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। आज फ्रेंडशिप डे है, आप सभी मित्रों को हृदय तल से मित्रता दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम थैंक यू। सर्वप्रथम मैं सुधा कसेरा जी को, साहित्य जगत को उनकी अनमोल देन, साहित्य जगत के सितारों से सजी पुस्तक साहित्यवीर, जिसका मुख्य पृष्ठ की परिकल्पना उनकी पुत्री नताशा सुवर्णा ने न सिर्फ की वरन उसे मूर्त रूप भी दिया, के लिए मैं सुधा जी के साथ नताशा को भी बधाई देना चाहूंगी। सुधा कसेरा जी की पुस्तक साहित्यवीर जब मेरे हाथ में आई तो मैं पुस्तक के नाम के उनके चयन पर सुखद आश्चर्य से भर उठी। सच तलवार से भी कलम अधिक शक्तिशाली होती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे
कि सामाजिक शोषण के विरुद्ध लोगों ने या तो तलवार उठाई है या कलम। तलवार द्वारा तो सिर्फ संहार और विध्वंस ही किया जा सकता है, जबकि कलम की पहली धार का समाज के नव निर्माण में तो अतुलनीय योगदान है ही, समाज में व्याप्त बुराइयों के संहार में भी समर्थ है। शायद इसीलिए काल कोई भी हो, कोई भी शासक हो, पूरे विश्व में हर शासक ने अपने विरुद्ध चलती कलम को रोकने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में सुधा जी ने साहित्य के 18 मूर्धन नामचीन हस्ताक्षरों को स्थान दिया है, जिनकी रचनाओं को हम पढ़ते रहे हैं। आपने अपनी पुस्तक का प्रारंभ आधुनिक हिंदी साहित्य एवं थिएटर के पिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी से किया है, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, तथा अंत इस मंच पर प्रसिद्ध आज के बहुआयामी लेखन के लिए चर्चित चहेते सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार, व्यंगकार, 1050 से भी अधिक कहानियों के रचयिता आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी से किया है, जिनकी कई पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस मंच पर जो उपस्थित नहीं है मालती जोशी जी, वो मेरी पसंदीदा कथाकार पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा स्त्री की गरिमा को अक्षुण रखकर अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जीवन और जगत की अनुभूतियों पर सहज सरल भाषा में कलम चलाकर मर्यादा के दायरे में रहकर अपनी पहचान बनाने वाली पाषाण युग पटाक्षेप जैसे उपन्यास, मन न बहे 10-20 जैसे कहानी संग्रह के अतिरिक्त बच्चों के लिए दादी की घड़ी इत्यादि 34 पुस्तकों की लेखिका सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री आदरणीय मालती जोशी की जीवनी को भी सुधा जी ने अपने संग्रह में समाहित किया है। आदरणीय मालती जोशी जी को मेरा एक बार पुनः अभिनंदन। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न मिटत न ये को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आज से 170 वर्ष पूर्व यह दोहा लिखकर निज भाषा के महत्व को रेखांकित किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय भी अंग्रेजी में बातें करने में अपनी शान समझा करते थे। यह विडंबना ही है कि आजादी के 74 वर्ष पश्चात भी हम भारतीय हिंदी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। मूल विषय पर आते हुए मैं कहना चाहूंगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी सल्तनत का कोषभाजन बनने के पश्चात भी देशभक्त की भावना से ओतपोत निज भाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए काम किया था। हमें गर्व है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हमारी राजभाषा आधुनिक हिंदी की जो अलग जगाई थी, उसके उनके उत्तराधिकारियों ने बुझने नहीं दिया है। हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए सर्वस्व अर्पित कर 34 वर्ष की छोटी उम्र में और लोग गमन करने वाले आधुनिक साहित्य के पुरोधा हिंदी थिएटर के पिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र हों या हिंदी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपियन एशियाई भारतीय, हमारे राष्ट्रगान के साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान के प्रणेता, विश्वविख्यात दार्शनिक, कवि, उपन्यासकार, गीतांजलि जैसी कृति के रचयिता, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, स्त्री पात्रों को सशक्तता से अपने उपन्यासों में स्थान देने वाले बंगला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हों या आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता में महान उपन्यासकार, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर, साहित्य आकाश के ध्रुव तारे
मुंशी प्रेमचंद। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात खड़ी बोली हिंदी की छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा हो या मधुशाला के प्रसिद्ध रचनाकार एवं कवि हालावाद की पुरोधा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बंगला कथा शिल्पी हरिशंक की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा की रचनाकार अपनी अर्ध नारीश्वर पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त विष्णु प्रभाकर हो या बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रसिद्ध उपन्यास तमस के रचयिता अभिनेता प्रोफेसर भीष्म साहनी, ख्यातिलब साहित्यकार गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा जैसे उपन्यासों के लेखक अपने समय की प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती हो या हिंदी और पंजाबी की अप्रतिम लेखिका प्रसिद्धि टिकट की रचयिता विद्रोही तेवर की मलिका पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित अमृता प्रीतम, पहाड़ी पृष्ठ रचनाओं के लिए विख्यात प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार कृष्ण कली ऊतों वाली की लेखिका शिवानी जिनका असली नाम गौरा पंत था हो या बहुमुखी प्रतिभा के धनी नई कहानी आंदोलन के प्रसिद्ध साहित्यकार अषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश। अपने बेबाक लेखन चित कोबरा कट गुलाब नामक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध मृदुला गर्ग हो या 20वीं सदी की नारी मुक्ति आंदोलन तथा स्त्री चिंतन के लिए प्रसिद्ध स्त्री की वर्दनाओं के प्रति आवाज मुखर करने वाली विद्रोही लेखिका अन्य से अनन्या लिखकर साहित्य जगत को चौंकाने वाली सौम और शालीन प्रभा खेतान। अपने बोल लेखन के लिए विख्यात महिलाओं के मुद्दे उनकी ख्वाहिशों पहचान और उनके अधिकारों की आवाज उठाने वाली 90 वर्ष की उम्र में 6 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन अपने नाम करने वाली कृष्णा सोबती हो या फक्कड़ी और घुमक्कड़ी में हिंदी साहित्य के महान हस्ताक्षर निर्मल वर्मा। इन सब महान कथाकारों के व्यक्तित्व कृतित्व के साथ उनके पारिवारिक जीवन संघर्षों साहित्य उपलब्धियों को सहज सरल भाषा में जीवनता के साथ अपनी पुस्तक साहित्य वीर में परोसना लेखिका के अथक श्रम को तो दर्शाता ही है, पाठकों की रुचि भी बनाए रखने में सक्षम है। अध्यापिका रही सुधा जी अपनी बात में लिखती है कि किसी साहित्यकार की जीवनी पढ़ना छात्र छात्राओं के लिए अधिकतर अरुचिकर ही होता है, अतः उन्होंने अपने पसंदीदा तथा साहित्य जगत के महान साहित्यकारों की जीवनी को सहज सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है जिससे भावी पीढ़ी उन सभी साहित्य मनुष्यों के बारे में पढ़कर यह जान और समझ सके कि सफलता प्राप्त करने के लिए हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। सन 1850 से सन 2021 तक लगभग 170 वर्षों के साहित्यिक कालखंड को समेटे इस संकलन में सभी साहित्यकारों की जीवनियां पढ़ने के पश्चात मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वह अपने प्रयास में पूर्णतः सफल रही है। सुधा जी की आकृति केवल पट्टी ही नहीं संग्रहणी भी है। मेरी हृदय तल से कामना है कि दिल्ली के टखरभूम प्रकाशन से प्रकाशित 184 पेज की सुधा जी की प्रथम कृति साहित्य को दिया उनका नायाब तोहफा साहित्य वीर साहित्य जगत की अनमोल कृति बने। मैं यहाँ यह भी संदर्भित करना चाहूंगी कि सुधा जी एक अच्छी कथाकार भी है। इस पुस्तक के पश्चात उनका एक और कहानी संग्रह बस अब और नहीं भी आ चुका है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ की गई वह अपनी दूसरी पारी में साहित्य जगत को ऐसी ही अन्य कृतियों से समृद्ध करती रहे यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा आदेश जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से किताब की विशेषताओं पर जो जो खास बातें थी उनको रेखांकित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह कर रही हूँ आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी से। संजीव जायसवाल संजय जी के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फिर भी ये बोलना मुझे अच्छा लगेगा और मैं इस परिचय के साथ ही उनसे अनुरोध करूंगी बोलने के लिए कि उनके लिखे व्यंग हो, कहानियां हो या कि फिर बाल कहानियां, अगर पढ़ने का मौका और वो उपलब्ध है, जब वो एफ बी पर पोस्ट करते हैं और वो उपलब्ध है या उन्होंने प्रकाशक के लिए मुझे वो दे दिया है पोस्ट करने के लिए, तो उसको पढ़ के बहुत खुशी होती है। और ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगी उस कहानी का जो अभी अभी जिसका एक लंबे समय से इंतज़ार था, नर्तकी के ऊपर जो उनकी कहानी थी उसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था और आखिरकार वो कहानी प्रकाशित उन्होंने पोस्ट की एफबी पर, और इस बात के साथ ही मुझसे कहा उसको प्रकाशक पर भी पोस्ट कर दीजिएगा, तो ये स्वीकृति उनकी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी बाल रचनाएं भी उतनी ही ज़्यादा सुंदर होती हैं जितने की उनकी कहानियाँ। तो अब मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ जिनका नाम इस पुस्तक में शामिल है, जिनके विषय में सुधा कसेरा जी ने बहुत विस्तार से लिखा है, आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी, कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले मैं आपका, आदरणीय सुधा कसेरा जी का, सुधा आदेश जी का, भावना गौड़ जी का और पटल से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजुल जी, आपने कोरोना के संकट काल में प्रकाशक के माध्यम से हम साहित्यकारों को बहुत सहारा दिया है, एक बहुत बड़ा मंच दिया है, अवसर दिया है कि हम सब आपस में जुड़ सकें और अपनी बात कह सकें, तो हमारी पुस्तकों और रचनाओं की चर्चा हो सके। इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित तो क्या करूं, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से आपने अभी अनुमति मांगी थी मिलन के लिए, तो आपके लिए अनुमति शब्द उचित नहीं है, आपका अधिकार है, मेरी जो भी रचना आप चाहें वो तो प्रकाशक के मंच पर ले सकती है, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आज इस मंच पे हमें दो विभूतियों की बहुत कमी महसूस हो रही है, एक तो परम आदरणीय मालती जोशी जी, जिन्हें पढ़ना और सुनना दोनों ही एक सुखद अनुभूति है। लिखने वाले तो खैर बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से वे बिना पुस्तक को सामने रखे धारा प्रवाह लंबी लंबी कहानियां सुना देती हैं मुंह जबानी, वह आश्चर्यचकित करता है, इस उम्र में इतनी ऊर्जा और इतनी याददाश्त। अगर आप कभी उनकी कहानी का लाइव टेलीकास्ट सुने और साथ में उनकी कहानी का प्रिंट रखें तो आप देखिएगा लगभग 90% वो हूबहू वही सुनाती हैं जो लिखा होता है, ये वाकई में दैवी चमत्कार है, माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर। दूसरा, लखनऊ विश्वविद्यालय की भाषा विभाग की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय उषा सिन्हा जी तकनीकी कारणों से हमारे साथ इस मंच पे नहीं जुड़ पा रही हैं, उनको सुनना भी एक सुखद अनुभूत होती है। भाषा पे, शैली पे, वाणी पे इतनी जबरदस्त पकड़ है कि लखनऊ के ज्यादातर बड़े कार्यक्रमों में वो उपस्थित रहती हैं और उषा सिन्हा जी जब बोलती हैं तो हम लोग मंत्रमुग्ध होके सुनते रहते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। आज वो होती तो इस कार्यक्रम में चार चांद लग जाते। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी इंसान के सपने सच हो जाएं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने सपनों में भी जिन सपनों को देखने का साहस न जुटा सके, अगर वे सपने सच हो जाएं तो कैसी अनुभूति होती है, यह बता पाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था
कि आदरणीय भारती हरीश चंद जी, गुरुवर टैगोर जी, बच्चन जी, निराला जी, शरद चंद जी, प्रेमचंद जी, इन सबकी जीवनियों के साथ मेरा परिचय भी किसी पुस्तक में शामिल हो सकता है। जिन महान विभूतियों के चरण रज अगर लगाने को मिल जाए तो परम सौभाग्य हो गया, उनके चरणों में मुझे बैठने का स्थान मिला। यह माँ सरस्वती जी की कृपा है और माध्यम है आदरणीय सुधा कसेरा जी, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए आभार प्रकट करने के लिए। अभी हमारी युवा रचनाकार भावना जी ने लगभग सभी विभूतियों को जिनको इन पुस्तक में शामिल किया गया है एक एक करके उनके बारे में विस्तार से चर्चा की, लगभग सभी बिंदु उन्होंने कवर कर लिए। उसके बाद वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी ने जो कुछ बचा था उसे पूरा कर दिया, मेरे बोलने के लिए शायद कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनके बारे में आम पाठकों को जानकारी नहीं थी, लेकिन आदरणीय सुधा कसेरा जी ने इस पुस्तक में संजोया है। वास्तव में उन्होंने अपनी भूमिका में भी लिखा और अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि लोगों की जीवनी पढ़ना एक नीरस विषय होता है, खास करके विद्यार्थियों के लिए उन्हें रटना मुश्किल होता है, लेकिन इस पुस्तक में सुधा कसेरा जी ने जिस, मैं मनोरंजक शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन जिस सहज और सरल शब्द ढंग से सबकी जीवनी को प्रस्तुत किया है तो उसको एक बार अगर पढ़ना शुरू कीजिए तो आप पढ़ते चले जाएंगे। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण है कि कसेरा जी स्वयं एक अध्यापिका रही हैं और उनको मालूम है कि विद्यार्थियों को क्या पसंद आता है और क्या नापसंद होता है, कहाँ उन्हें कठिनाई होती है, कहाँ आसानी होती है। इस पुस्तक में इन विभूतियों की बहुत ही अनछुई बातें हैं जो हमें बताई गई हैं। अगर हम इसका पहला पृष्ठ ही खोलें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में है, तो हिंदी जगत का, पूरे भारतवर्ष का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम नहीं जानता, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को मालूम था कि उनका नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी, दोनों को मिलाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। यह बात सुधा जी ने पहले पृष्ठ के दूसरे पैराग्राफ में ही लिखी है। अच्छी जानकारी है। एक जानकारी उन्होंने और भी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने केवल 5 वर्ष की आयु में रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। कल्पना कीजिए, 5 साल का जो अपने को संभाल नहीं पाता वो कविताओं का सृजन कर रहा है, और कविता भी ऐसी वैसी नहीं। मैं 2 लाइन उसकी पढ़ूंगा। उन्होंने लिखा है, लय बेवड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे हनुमान, हनन लगे भगवान। यानी उनको बाणासुर के युद्ध के बारे में भी 5 साल की उम्र में मालूम था। इसीलिए कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और महज 34 साल की उम्र, आज के युग में लोग 34 साल में कहते हैं मेरा भी कैरियर सेटल नहीं हो पाया, लेकिन भारतेंदु जी 34 साल की आयु में हिंदी साहित्य के एक युग का सृजन करके चले गए। वास्तव में ऐसी प्रतिभा दैवीय होती है और कभी कभी ही इस पृथ्वी पर अवतरित होती है। अगर ईश्वर ने भारतेंदु जी को कुछ आयु और दी होती तो शायद हिंदी साहित्य जगत आज और समृद्ध होता। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की ख्यात तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और जैसा कि भावना जी ने बताया कि वे दुनिया के अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिनके लिखित गीत को 2 देशों का राष्ट्रगान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी ने उनकी गीतांजलि पढ़ी है, काबुलीवाला पढ़ी है, शायद ही कोई ऐसा हो जो काबुलीवाला के बारे में न जानता हो। हम सब शांति निकेतन के बारे में भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक विश्व स्तर के विश्वविद्यालय का गठन किया था, लेकिन मुझे भी इस पुस्तक के माध्यम से पहली बार पता लगा कि उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना केवल 5 छात्रों को लेकर की थी, जिसमें एक उनका पुत्र था। यानी केवल
चार छात्रों को लेकर स्थापित किया गया स्कूल एक नन्हा सा पौधा किस प्रकार से विशाल वटवृक्ष के रूप में बना इसकी जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। और यह भी पता लगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वह काफी दुखी थे, उनकी पत्नी और उनके पुत्रों का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन फिर भी वे इन कठिनाइयों से जूझते हुए साहित्य का सृजन करते रहे। आज लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। एक फैशन सा चला है कि लोग कहते हैं कि फला लड़का डिप्रेशन में चला गया। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ें तो देखें किस तरीके से इन महान रचनाकारों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, अभावों को झेला है, लेकिन उनसे झुकने के बजाय उनका दृढ़ता से सामना किया है और अपना एक स्थान बनाया है। हमने कहीं प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन जी के बारे में पढ़ा था कि उनके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। एक बार उनकी मेज पर मोमबत्ती जल रही थी, उस कुत्ते ने मोमबत्ती को गिरा दिया था जिससे आग लग गई थी और न्यूटन जी का 10 साल का रिसर्च का पूरा वर्क उस अग्निकांड में जलकर स्वाहा हो गया था। नाराज होने के बजाय उन्होंने उस कुत्ते से सिर्फ एक वाक्य कहा था, काश काश तुम्हें मालूम होता कि तुमने क्या किया। तो प्रसिद्ध रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास जैसी अमरकथ की रचना की है, उनके बारे में सुधा कसेरा जी बताती हैं कि उनकी पुस्तक चरित्रहीन, जो एक प्रसिद्ध उपन्यास था, उसकी पांडुलिपि भी एक अग्निकांड में जलकर स्वाहा हो गई थी, लेकिन शरद जी निराश नहीं हुए और उन्होंने उस पुस्तक को पूरी तरीके से दोबारा लिखा। और जानकार बताते हैं कि वह उनकी पहली पांडुलिपि से ज्यादा सशक्त थी। कुल मिलाकर 18 रचनाकार इस पुस्तक में शामिल हैं, जिसमें मेरे आदर्श मुंशी प्रेमचंद जी भी इसमें हैं और बहुत ही सशक्त शब्दों में उनका परिचय दिया गया है। इस समय पिछले कुछ वर्षों से उनके और उनकी पत्नी के फोटोग्राफ को लेकर काफी बहस चल रही है। उस पुस्तक में, उस फोटोग्राफ में आदरणीय प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए, उस पे चर्चा हो रही है कि वो अमीर थे कि गरीब थे। मैं समझता हूँ ये चर्चा बेईमानी है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी न अमीर थे न गरीब थे, बल्कि वे सम्राट थे, उपन्यास सम्राट थे। उनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को आपने इसमें उजागर किया है। एक खास बात और है इस पुस्तक की, इसमें एक तरफ तो शरद चंद जी को शामिल किया है, दूसरी तरफ उनकी जीवनी के ऊपर पुस्तक लिखकर अमर होने वाले रचनाकार आवारा मसीहा को लिखने वाले रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी को भी शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि शायद यह पहली बार हुआ हो जिसमें शरद चंद जी और विष्णु प्रभाकर जी दोनों की जीवनी को एक ही पुस्तक में शामिल किया गया है। दोस्तों, कई बार हर युग में यह कहा गया है कि कलम की धार तलवार की धार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहली बार साहित्यकारों के लिए वीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस पुस्तक का नाम साहित्य वीर से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता था। इसके लिए आदरणीय सुधा कसेरा जी बधाई की पात्र है। हम सब लोगों ने मोहन राकेश जी को खूब पढ़ा है, उनके नाटकों को देखा है, खास करके अषाढ़ का एक दिन उनका चर्चित नाटक है। उनके जीवन के बारे में एक नई चीज मुझको पता लगी इस पुस्तक में। उनका विवाह अनीता औलक जी से हुआ था, लेकिन खास बात यह थी कि उनकी माँ चंद्रा जी मोहन राकेश जी की जबरदस्त फैन थी और जब अनीता जी ने उनसे कहा कि वे मोहन राकेश जी से विवाह करना चाहती है तो उन्होंने उनको क्रोध में आके चांटा जड़ दिया था। लेकिन काफी द्वंद के पश्चात, संघर्षों के पश्चात उन दोनों का विवाह हुआ, जो कि
बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, ऐसी कई बातें हैं जो इस पुस्तक में बताई गई। शायद ही कोई ऐसा हो जो गुनाहों के देवता के रचनाकार और धर्मयुग के लब्ध प्रतिष्ठित संपादक परम आदरणीय धर्मवीर भारती जी का फैन न रहा हो। हम सभी लोग उनके फैन रहे हैं, खास करके उनके धर्मयुग के संपादन काल के स्वर्णिम युग को देखते हुए। सुधा कसेरा जी ने एक जानकारी दी है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने उन्हें धर्मयुग के संपादन का ऑफर दिया तो साथ में एक शर्त लगा दी कि वे संपादन के अलावा अपना व्यक्तिगत लेखन नहीं करेंगे। दोस्तों, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की सभी पत्रिकाओं का दबदबा था, चाहे वो सारिका हो, चाहे धर्मयुग हो या कई पत्रिकाएं थी, इसमें नाम नहीं याद आ रहा है, सारिका थी, धर्मयुग थी, दिनमान थी, माधुरी थी। तो इसके संपादन का दायित्व मिलना बहुत सौभाग्य की बात थी, लेकिन धर्मवीर भारती जी ने उस ऑफर को फौरन अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लेखन मेरी प्रथम प्राथमिकता है, मैं इस शर्त को मंजूर नहीं करता। अंततः उनके इस दृढ़ता के आगे टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को झुकना पड़ा और उन्हें व्यक्तिगत लेखन की छूट देनी पड़ी। बहुत सी बातें बताई गई हैं भारती जी के बारे में, शिवानी जी के बारे में भी चर्चा हुई। हम सभी लोग बचपन से उनको पढ़ते आए हैं, उपन्यास भी पढ़े, और खास करके धर्मयुग में जब उनके धारावाहिक छपते थे तो शिवानी जी के लोकप्रियता का आलम यह था कि धर्मयुग में जब उनका उपन्यास का प्रकाशन प्रारंभ होता था तो धर्मयुग की सेल डेढ़ी दुगनी हो जाती थी और उसकी प्रतियां दो गुनी छापी जाती थी। ऐसी बहुत सी बातें इस पुस्तक में अंकित की गई हैं, सजोई गई हैं। आप लोग इसको जरूर पढ़ें, ये साहित्य जगत के लिए एक अनमोल खजाना है। इसलिए नहीं कि इसमें मुझको भी शामिल किया गया है, मैं तो बस यूं सहयोग बस आ गया, लेकिन महान रचनाकारों के जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं जिनको पढ़कर हमको, आपको सभी को अच्छा लगेगा। तो समय भी काफी हो रहा है, इसलिए कभी इस पुस्तक पर विस्तार से अलग से चर्चा की जा सकती है। जब कोरोना काल खत्म हो जाए, किसी ऑडिटोरियम में बैठ के चर्चा किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और जैसा कि राजुल जी ने कहा कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि सुधा कसेरा जी की यह पुस्तक कोर्स में शामिल होता है तो साहित्य जगत को भी फायदा होगा और विद्यार्थियों को भी फायदा होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सुधा कसेरा जी को लंबी आयु प्रदान करें, उन्हें ऊर्जा प्रदान करें, ताकि उनकी लेखनी से इसी प्रकार से श्रेष्ठ कहानियों का तो सृजन होता ही रहे, इस प्रकार की अनूठी उपलब्धियां भी उनकी लेखनी से निकल कर हमारे सामने आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही राजू जी, आवाज नहीं आ रही। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव जायसवाल। संजय जी, आपने बहुत सही बात कही कि साहित्य के साथ वीर शब्द शायद पहली बार इस्तेमाल हुआ है, जबकि और ये शायद अनूठा चलन जरूर है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि साहित्यकारों को जितना तपना और जितना चलना और जितना संघर्ष करना पड़ता है शायद उतना और किसी को नहीं करना पड़ता। अगर हम सचमुच के वीरों की बात करें जिनके पास तीर तलवार और तमाम हथियार होते हैं, तो वो कुछ पल के लिए संघर्ष करते हैं और उसके बाद फिर उनका संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक साहित्यकार जो है वो हमेशा संघर्षरत रहता है, चाहे वो उसकी रचना प्रक्रिया हो, चाहे उसका अपना विचारों का विचार विनिमय के दौरान जो थोड़े बहुत क्लैशेज होते हैं वो हो, इस तरह से साहित्य वीर शब्द बहुत सार्थक
आदरणीय सुधा कसेरा जी की किताब का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए और इतनी खूबसूरत ढंग से व्याख्या के लिए। अब आदरणीय पद्मश्री मालती जोशी दीदी, उनका एक वीडियो है हमारे पास, तो मैं चाहूंगी कि पुस्तक के विषय में उन्होंने जो कहा है वो आप सब तक पहुंचे, तो मैं वो वीडियो प्ले करने जा रही हूँ आदरणीय पद्मश्री मालती जोशी जी। और मैं एक एक करके सबको अभी स्क्रीन से इसलिए हटा रही हूँ कि वो वीडियो चल सके आराम से। नमस्कार। नमस्कार। साहित्य वीर श्रीमती सुधा कसेरा जी की इस पुस्तक का आज विमोचन समारोह है। ये पुस्तक एक तरह से साहित्यिक दस्तावेज ही है। सुधा जी ने इसमें सरस्वती के महान वरद पुत्रों का जीवन वृत्त बड़े ही सरस और सरल ढंग से शब्दांकित किया है। इस काम में इन महान व्यक्तियों के जीवन यात्रा को रेखांकित करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत और कितनी खोजबीन करनी पड़ी होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनकी ये मेहनत सफल हुई है। ये पुस्तक साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक अनमोल धरोहर साबित होगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि इन महान साहित्यकारों की पंक्ति में उन्होंने मुझे भी स्थान दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार और अनेकानेक शुभकामनाएं। आदरणीय मालती जोशी दीदी के विचारों से हम अवगत हुए, उनके आशीर्वचनों से हम प्रताप हुए। आदरणीय सुधा कसेरा जी के लिए उन्होंने बहुत सुंदर बात की। और अब हमने बहुत कोशिश की कि उषा सिन्हा जी भी हमारे साथ काश जुड़ जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता, जैसा कि संदीप जी ने कहा था कि उनको सुनना भी एक अलग ही अनुभव होता है, तो नहीं ऐसा हो सका। क्या किया जा सकता है, ये तो नेट भगवान है, जब प्रसन्न हो जाते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं और जब रुष्ट हो जाते हैं तो जो होता है वो भी छीन लेते हैं, तो आज वो शायद थोड़े से रुष्ट हैं। बहरहाल कार्यक्रम अच्छी तरह जो हमारे साथ पटल पर रहे उनके साथ अच्छी तरह से संपन्न हो गया। अब मैं आदरणीय सुधा कसेरा जी से निवेदन करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन। मुझे तो बहुत ज़्यादा अधूरा पल लग रहा है कि उषा जी नहीं आई, क्योंकि वो बहुत उत्साहित थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगी, और कल शाम को 15 मिनट मेरे से बात हुई, और वो ये भी कह रही थी कि मैं ये कहूँगी, मैं ऐसा कहूँगी, और मैं सबसे कहूँगी कि ये किताब पढ़ें, खास करके साहित्यकार भी पढ़ेंगे। उनका ये कहना था कि साहित्यकार अगर उनकी साहित्यकारों की जीवनी से परिचित होंगे लेखक, तभी अच्छा लिख पाएंगे, तभी उनकी कहानियों में उनको आनंद आएगा। तो हम साहित्यकारों के जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बोल रही थी, तो बहुत ही मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। और मालती जोशी जी भी आना था उनको, लेकिन वो पहले बम्बई में थी, उसके बाद वो दिल्ली आ गई, तो बम्बई में उनका जो बेटा है वो रिटायर्ड है, तो वो उसके उनके साथ 24 घंटे कुछ ना कुछ जो भी उनको ज़रूरत पड़ती थी सहायता की वो करते थे, लेकिन दिल्ली में उनको ये उपलब्ध ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने वीडियो भेजा। लेकिन चलो उनका वीडियो तो आया कम से कम, लेकिन उषा जी की तो कमी बहुत, क्योंकि वो कॉलेज की विभाग अध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुई हैं हिंदी विभाग से, तो वो इस किताब से बहुत ज़्यादा मतलब इसको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत कुछ बोलना चाहती थी। चलिए ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, तो आदरणीय आमंत्रित सभी वरिष्ठ अतिथिगण
आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मंच से मेरी पुस्तक पर अपने सार गर्भित विचार प्रकट करके मेरा मनोबल बढ़ाया और इस पुस्तक के विषय के महत्व और उपयोगिता को विस्तार से पाठकों से साझा करके उनको इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। एक लेखक का लेखन तभी सार्थक होता है जब इसे अधिक से अधिक पाठक पढ़कर इससे कुछ सीखे और प्रेरणा ले। एक भी पाठक के जीवन पर मेरी इस पुस्तक को पढ़कर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो मेरा लिखना सार्थक हो जाए और सफल हो जाएगा। अंत में मैं इस आयोजन की संचालिका आदरणीय राजू जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इसे बहुत परिश्रम से और कलात्मकता से सफल बनाया। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद और शुभकामना। खास करके मैं संजीव जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनके बारे में लिखने के परिणाम स्वरूप मुझे इतना 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 अच्छा सुनने को मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है कि इतने बड़े लेखक के लिए कुछ लिखना, लेकिन उन्होंने जो मुझे मान दिया उसकी तो मैं सच बताऊँ ना मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। और मालती जी की, मालती जोशी जी, पद्मश्री, जिनको तो मैं क्या बताऊँ क्या हैं वो मेरे लिए। सच पूछिए तो वो जब से मेरे कांटेक्ट में आई हैं इस किताब के जरिए, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मैं सच बताऊँ मैं उनकी किताबें दोबारा पढ़ रही हूँ और उसका जो आनंद है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि साहित्यकारों के जीवन के से परिचित होकर उनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसका मजा ही अलग है। इसलिए साहित्यकारों के जीवन के संघर्षों के बारे में जानिए। अभी ये संजीव जायसवाल जी ने विद्यार्थी जीवन से ही लिखना इन्होंने आरंभ कर दिया और इनके बड़े अनछुए पहलू, इतने शरारती थे ये जमींदार परिवार में पैदा हुए। उसके बाद इनकी माँ जो थी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई थी तो बहुत सारे अनुशासन में रखती थी, लेकिन इनका मन एक साधारण एक गांव के बालक की तरह चंचल था। इनका वो सब करने का मन करता था जो इनकी माँ इनको नहीं करने देना चाहती और इसका आज भी इनको अफसोस होता है। लेकिन क्या संजय जी आपने बच्चों को अलाउ कर रखा है वो सब करने के लिए? उनको तो नहीं रोका आपने? नहीं, बच्चों को काफी छूट है। बहुत छूट है ना। आज के जमाने में तो वैसे भी बच्चों को बहुत, जो जीवन इनका है वो हमारा हो ही नहीं सकता। आज के जमाने में शराफत इसीलिए कि छूट दे दीजिए। तो सच में इतना, मैंने जब किताब लिखी तो इसका परिणाम इतना सुखद होगा ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने सुधा जी, जो आप जितना जानते हैं, जितना ज्यादा करीब से जानते हैं किसी को, उसका लिखा हुआ पढ़ने में उतना ही मजा आता है। और जैसे कि आपने संजीव जी की बात की, तो संजीव जी की बाल रचनाएं पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद हम अक्सर उसी मापदंड में, उसी खांचे में ढल कर दूसरों को देखने लगते हैं, खासतौर से बच्चों को, जिससे बचने के लिए हमने वो खांचे तोड़ने की कई बार कोशिश की थी। लेकिन जब संजीव जी की रचनाएं पढ़ते हैं तो लगता है उन्होंने अपना वो खांचा तोड़ा नहीं है और वो खांचा अभी भी उनके मन में, उनकी कलम में के जरिए उतर आता है कागजों पे और बहुत सुंदर ढंग से उतरता है। मैंने भी उनकी बाल रचनाएं पढ़ी है। तो किला करके है, किला करके उसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ कल्पना भी होगी, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। मतलब बच्चों के लिए रोचक लिखना कि बच्चे उसको पढ़े। आजकल हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसके बावजूद इनकी किताबों के इतने लोग फैन हैं, इतनी लोग पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। बिल्कुल, आप लोगों ने जो किताब के लिए कहा अगर कुछ असर पड़ेगा तो अच्छा है, क्योंकि मेरा खुद का ये कहना है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पहले बड़े 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 साहित्यकारों का जीवन पढ़िए और उसके बाद उनकी किताबें पढ़िए, क्योंकि हम पढ़ के ही कुछ सीख सकते हैं लिखने के लिए। बिल्कुल सही, सही बात सुना जी, सही बात। तो बहुत अच्छा लग रहा सबसे जुड़कर जी।
बहुत सुंदर आज का ये आयोजन रहा और बहुत उपयोगी बातों के साथ आज का ये इतना सफर तय हुआ आज के इस आयोजन में। और एक बात ये भी है कि कुछ नए पहलुओं से हम परिचित हुए और जिन्हें जानते हैं उनके कुछ और करीब आए, यही एक खास बात होती है। ये बहुत अच्छी बात सफलता की कि उसके जरिए चलिए ये बात भी हुई, पढ़ने से तो उसे और लाभ होगा ही होगा। तो आदरणीय सुधा कसेरा जी को बहुत बहुत बधाई उनकी इस पुस्तक के लिए और ईश्वर करे कि उनकी लेखनी इसी प्रकार चलती रहे। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं विराम दे रही हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।